सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर के अंदर होगे, ठीक ठाक होगे, मस्त होगे। तो गाइस, अभी अपनी शुरुआत होती है दिन की सुबह सुबह, और अभी टाइम हो रहा है भाई, कहाँ गई मेरी घड़ी, अभी टाइम हो रहा है तेरा 7:15। तो अभी उठ गया था मैं थोड़ी देर पहले, अपना 6:30 बजे से उठ गया था, फिर नहाया धोया हूँ, मस्त रेडी हो गया हूँ, बस अभी शूज़ पहनने बाकी है, और अभी जाना है कॉलेज। शिवानी जो है अभी तक सो रखी है, बिकॉज उसकी तबीयत ख़राब है, और आज कॉलेज जाएंगे हम पापा की बाइक के ऊपर, बिकॉज पापा की बाइक का ग्राउंड चाहिए ना भाई, तो मस्त अपने पापा की बाइक लेके जाऊंगा आज कॉलेज के अंदर। गाइस, अब है बारी शूज़ पहनने की, तो फटाफट से अपने नए नए शूज़ निकाल लेते हैं। तो ये रहे अपने प्यारे प्यारे शूज़ जो कि मैंने ऑर्डर किए थे, पहली बार पहन रहा हूँ, पहने भी नहीं है मैंने। अरे क्यूटी उठ चुकी है, नींदों में फुल, कोई बात। और आज गाइस ये जाएगी अपने घर पे, चलो फटाफट से शूज़ पहन लेते हैं। तो गाइस, ये रहा अपना फाइनल लुक, चलो यूएस पोलो के शूज, चलो गाइस फटाफट चलते हैं अब कॉलेज के अंदर, फिर आपसे मिलते हैं, बात करते हैं। चलो ठीक है भाई, जा रहा हूँ मैं, ख्याल रखना अपना, ठीक है, दवाई लेते रहना टाइम पे, ओके, कोई दिक्कत हो तो फोन कर देना मुझे, नहीं तो पापा मम्मी है यहाँ पे, ठीक है, बाय। तो गाइस, अब कॉलेज के अंदर आए हैं भाई, और ये रही अपने बाइक की चाबी, आज बाइक लेके आए हैं फटाफट से अपनी, और अभी है मेरी क्लास 9:10 पे, और टाइम हो रहा तुम्हारा 9:15। जतिन भी मेरे साथ है, जतिन आया मेरे साथ, लेट रहना तो पीस बन जाता, लेट नहीं आए तो फिर कॉलेज में टाइम से कौन आता बता, अरे क्या बना दिया वाइट वाइट आके। तो गाइस, आज हमारी क्लास वगैरह तो हुई नहीं, एक क्लास थी वो हमने ले ली है, और बाकी की नहीं हुई है अभी, तो अभी थोड़ी देर के अंदर निकल जाएंगे जतिन, फिर है निकल जाएंगे, फिर क्लास व्लास नहीं हुई तो। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से अपने कॉलेज का बाहर से व्यू, ये ब्लॉक के अंदर आ रखे हैं मैं एग्जामिनेशन हॉल में, और ये तुम्हारा झंडा अपना, और ये पार्किंग है, कितनी दूर से कितनी छोटी छोटी गाड़ियाँ लग रही है ना। गाइस, अभी 12:30 बज रहे हैं, और मैं कर रही थी यहाँ पर सूट की पैकिंग। सूट की पैकिंग मतलब जो मेरा खुद का कलेक्शन है, वहाँ से जो भी ऑर्डर्स आए हैं, तो ये मेरा फर्स्ट सूट है जो जा रहा है, मतलब और भी है बट ये मैंने फर्स्ट पैक किया है, वगैरह लिखी है, फ़ोन नंबर वगैरह, मैं वो चीज़ नहीं दिखा सकती हूँ। बाकी थैंक यू सो मच गाइज, आपने मुझे इतने कम वक्त में उस आईडी पर इतना सपोर्ट दिखाया है, जिनको भी अगर मेरा नहीं पता है मैं उनको बता दूँ, मेरा खुद का सूट एंड ड्रेसेस और कुर्तीज़ का काम है, यहाँ पर आपको आईडी शो हो रही होगी, सो आप फटाफट मुझे उस आईडी पर फॉलो करो, और न्यू कलेक्शन, न्यू डिज़ाइनर सूट्स आप जो है वहाँ से परचेज कर सकते हो मेरे से बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर। तो गाइस, ये घड़ी अपनी बाइक यहाँ पे मस्त, और अब सारी क्लास वगैरह ले ली है, नाना तो ही खा ले, इतनी गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा यार, अभी टाइम है अपना जाने का वापस घर, क्लास वगैरह हो चुकी है, चलो फटाफट चलते घर अपनी बाइक के ऊपर बैठ के। तो भाई, इस पसीने में पूरा का पूरा भीग गया हूँ, और अब चलते सीधा अपने घर, देख लो ऐसा लग रहा है मैं नहा के आया हूँ और मैंने बाल ना बहाए हूँ, भयंकर पसीने हैं ये। हाँ भाई, क्यूटी है यहाँ पे, चलो भाई चलते हैं ऊपर सीधा, फिर मिलवाते हैं सबसे। नींदों में है, कमरा चिल्ड कर रहा, उत तेरी भाई ये कहाँ थे दोनों, अरे बस रहे बस बस क्यूटीज बस बाबू। तो गाइस, थका हारा आखिरकार अपने घर को पहुंचा, काला होगा देखो, टैनिंग कितनी होगी यार, धूप इतनी पड़ती, गर्मी इतनी होगी बाहर। हाँ भाई, मैडम मैडम, अरे सुन रहा क्या कोई, हाँ क्या हुआ? नींदों में इसको पता नहीं अब क्या करेगी, आके देख कैसे। तो भाई, निश्चल की तबीयत ख़राब है, इसलिए वजह से ये जा रही है वहाँ पे, कोई बात नहीं अभी चली जाएगी, कब आओगे फिर तुम? आ जाऊँगा थोड़े दिन में, इतना सामान आप देख के डरो मत, क्योंकि इसमें तो सिर्फ मेरी तकिया ही है। हाँ, इसमें तुम्हारी तकिया ही है खाली, है ना, इसमें सिर्फ तकिया जो मैं बिना उसके सोती नहीं हूँ, इसलिए, और ये सब मेरे डेली पहनने के कपड़े हैं गाइस, तो इसलिए। ओके चलो फिर जल्दी चलो। तो गाइस, अभी ये चली जाएगी, इसको मैं छोड़ के आ जाऊँगा यहाँ तक, ये जाएगी कैब के अंदर, है ना, चलो गाइस फटाफट से इसको छोड़ दे, तो बाय कर दे सबको। नितिन जा रहे, क्योंकि नितिन के एक तो यहाँ पे क्लासेस है और उनका एग्जाम है कल, हाँ। तो ये कैसे जा सकते हैं, इनको मैं पर बीच में आ जाना हाँ जी, अभी तो मेरे को गाड़ी सीखने जानी है, गाड़ी मैं ही सीखूंगा अभी थोड़े दिन, क्योंकि ये चली जाएगी फिर इसकी बाद में क्लास होगी,
चले फिर, गाड़ी की बात नहीं है, बात है पेपर। वो तो है ही, मैं बता रहा हूँ तेरे को। चलो बाय कर दो जल्दी सबको। Bye, और गाइस ये व्लॉगिंग करती रहेगी वहां से, टेंशन मत लो, डेली व्लॉगिंग आएगी। तो भाई उसको मैं छोड़ के आ गया था, और मेरा कैमरा गंदा कैसे हो रहा है, रुको अब थोड़ा ठीक है, वैसे मेरा कैमरा खराब हो गया यार। तो भाई उसको छोड़ के आ गया था, फिर उसके बाद मैं गाड़ी सीख के आ गया हूँ, और अब मेरे को जाना है जिम में। तो जिम तो अपने छूटनी नहीं चाहिए, तबीयत मेरी खराब है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं जिम करूं आप सबके लिए, क्योंकि रिजल्ट अब आ रहा था यार। मैं सोच रहा था कि अगर रुक भी जाता हूं मैं 2-3 दिन, रेस्ट ले लेता हूं तबीयत खराब के चक्कर के अंदर, तो फिर डाउन हो जाएगा, खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तो थोड़ा बहुत मैं खा रहा हूं, तो जिम तो बनता है अपना, तो मैं 80% ठीक हो गया था, 20% अपना रहता है वो भी ठीक हो जाएगा। बट अभी ऐसा हालत है कि ये दवाइयाँ चल रही है, मेरी दवाई खत्म हो जाए तो दवाइयाँ, इतनी गर्मी लग रही है, वैसे भी गर्मी ज़्यादा हो रही है तो दवाई खाता हूँ तो ज़्यादा गर्मी लगती है। तो गाइस चलो अब चलते हैं फटाफट से जिम के अंदर, और यहाँ देखो यार सारा का सारा सामान पड़ा हुआ है, ये मैं रखना, और बोल गया ये तो मेरे को लेके जाना है हेडफोन। अरे देखो ये कह रही थी मैं लेके जाऊँगी, अरे इसने छोड़ दिया यहाँ पे। मेरा बैग कहाँ चला गया, बैग 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 मेरा भाई रहा। चलो बैग निकालते हैं, चलते जिम। और गाइस यार आप लोग ना थोड़ा सा प्यार दिखाओ वीडियोस को लेके, क्योंकि वीडियोस मैं समझ सकता हूँ कि वीडियो आ नहीं रही है, तबीयत थोड़ी ख़राब है यार इस चक्कर के, क्योंकि हो ऐसा रहा है कि तबीयत खराब चल रही, मौसम ऐसा चल रहा है, मेरी तबीयत खराब हो गई, उससे पहले उसकी हो गई थी, तो उसकी हो गई तो मैं था, पर मेरी भी हो गई, मम्मी पापा है, मम्मी की भी धीरे धीरे डाउन हो रही, पापा भी ठीक चल रहे हैं, ये मौसम ऐसे चल रहा है गाइस। अब टाइफाइड डेंगू ये चल रहा है, हमने चेक करा लिया, हमारा तो फिलहाल है नहीं अभी। तो आप सब लोग भी बच के रहो, अपने प्रॉपर डाइट लो, खाओ पियो नॉर्मल, कहीं मच्छरों मुच्छरों में मत जाओ, पर डेंगू को क्या पता यार कहाँ से आगे कहाँ से क्या लड़ जाए, तो बस संभल के रहो, सेफ रहो। सो गाइस आज का वर्कआउट होता है हमारा ख़त्म, और तबीयत खराब थी, आज भी 2 एक्सरसाइज कर ली मैंने, एक तो तुम्हारी ट्राइसेप की और दूसरी शोल्डर की, सही बम्प हो गया पर ज़्यादा हैवी नहीं किया, नॉर्मल नॉर्मल किया, पसीने बहुत आ रहे हैं, दवाई खाई थी मैंने, दवाई खा के आया भयंकर, गर्मी तो हो रही है, ऊपर से दुगना पसीना आ रहा है, हालत ख़राब हो रखी है, पंप बता देना। तो भाई आज का वर्कआउट होता है हमारा ख़त्म, तो अब घर आए हैं, अब शेक पीऊंगा मैं, और अभी घर आया तो मेरे को यार खाली खाली से लग रहा है, जैसे कि पहले आता था तो वो बैठी मिलती थी मेरे को, वो मेरे से बातचीत करती थी ऐसे, वो घर चली जाती है ना, स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ थोड़ा मौज ले लूँगा, पबजी खेल लूँगा, पर उसके बाद जब नहीं होती है ना तो बड़ा फील होता है यार, वही मतलब याद आती है, समझ सकते हो आप सब लोग। तो भाई चलो फटाफट से अपना शेक वेक पी लेते हैं, और ये तो सो गया देखो मस्त बेड पे, और मैं बाहर निकल के देख रहा हूँ, मेरे को बारिश आ रही है बहुत तेज, देखो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, तो जो तेरी बात बारिश आ रही है, कपड़े सुखा रखे सारे भीग गए यार, दिमाग खराब हो गया है, तो मैं कैसे उतारूं, तबीयत मेरी खराब है, जाऊंगा तो मैं भीग जाऊंगा, मुझे दिक्कत हो जाएगी। गाइस आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए खुश रहो, सेफ रहो भाई अपने, ठीक है, और कल के व्लॉग में वो वहाँ से व्लॉगिंग कर लेगी, मैं यहाँ से व्लॉगिंग कर लूँगा, टेंशन मत लो, व्लॉग डेली डालूंगा, बस थोड़ा सा प्यार दिखाओ यार, वीडियोज़ हमारे थोड़े व्यूज़ हो गए कम, हमारी गलती भी इसके अंदर कि हम डेली रेगुलर नहीं रह पा रहे हैं इस वजह से, तो बस आप लोग प्यार दिखाओ, जैसे इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हो तो फटाफट से यहाँ पे भी दिखा दो, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए खुश रहो, ओके बाय।